वेलकम टू माई चैनल फूडीज ओरिजिनल रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ चिकन कढ़ाई बनाऊंगी और वो भी बहुत ही आसान तरीके से, जो कि बहुत ही डिलीशियस और यमी है। चिकन कढ़ाई बनाने के लिए हमें चाहिए मुर्गी का गोश्त 1 किलो, दही 1 प्याली, 2 से 3 अदद प्याज जो ब्लेंडर में थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर ली थी, 4 से 5 अदद टमाटर जिसको मैंने छीलकर बारीक काट लिया है, 1 प्याली हरा धनिया जिसको धोकर बारीक काट लिया है, 1 अदद लीमू का रस, 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा जिसको छीलकर बारीक बारीक काट लिया है, 4 से 5 खाने के चम्मच फ्रेश क्रीम, 2 से 3 अदद सब्ज मिर्चें जिसको मैंने थोड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, ये मैंने क्यूब्स में बनाकर रखा हुआ है। मेरी लास्ट वीडियो में आप इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। 2 खाने के चम्मच मक्खन। मसाला जात में हमें चाहिए लाल मिर्च का पाउडर 1 खाने का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक 1 खाने का चम्मच, धनिया पाउडर 3 खाने के चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1 खाने का चम्मच, जीरा पाउडर 2 खाने के चम्मच। अब हम चलते हैं चिकन कढ़ाई के पहले प्रोसेस चिकन मैरिनेशन की तरफ। एक बाउल लें और उसमें चिकन ऐड करें। अब उसमें शामिल करेंगे प्याज का पेस्ट, जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे, और लेमन का जूस जो हमने निकाल के रखा हुआ था वो ऐड करेंगे, दही ऐड करेंगे और इसके बाद तमाम मसालों को, लाल मिर्च, हल्दी, नमक, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, सब इसमें शामिल कर देंगे। सिर्फ काली मिर्च को हम बचा के रखेंगे, जब हमारी कढ़ाई कंप्लीट होगी तो उसके एंड में उसको शामिल करेंगे। इससे कढ़ाई का कलर काला नहीं होगा बल्कि बहुत ज़बरदस्त कलर आएगा। अब हम इन तमाम मसालों को और पेस्ट को चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मैं स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स कर रही हूँ, आप चाहें तो हैंड से या किसी भी चम्मच से मिक्स कर सकते हैं। खूब अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि तमाम नमक मिर्च अच्छी तरह पूरे गोश्त पर अप्लाई हो जाए और उसका फ्लेवर उसके अंदर तक चला जाए, जो हमारी बोटी है वो बिल्कुल फीकी ना हो बल्कि नमक मिर्च वाली हो। इस मैरिनेट किए हुए चिकन को हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, फिर उसके बाद इसको पकाना शुरू करेंगे। ये बहुत ही आसान मेथड है, इसको आप ईद पे या दावत में पहले से मिक्स करके फ्रिज में सेव करके रख सकते हैं और आपके टाइम की बचत होगी और जब आपको बनाना होगा तो ये मिनटों में तैयार हो जाएगी। 2 घंटों के बाद मेरी चिकन तैयार है कुकिंग के लिए, आप चाहें तो इसको आधा घंटा भी रख सकते हैं। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी कुकिंग। एक पैन लिया, उसमें हमने 1/4 कप कुकिंग ऑयल डाला, आप अपने हिसाब से थोड़ा कम भी डाल सकते हैं। फ्लेम मेरी मीडियम है। अब हमने इसमें टमाटर डाले और मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड किया। अभी हम इसमें कुछ और शामिल नहीं करेंगे, बस इसी को लेयर बना के और कवर कर देंगे 8 से 10 मिनट तक, ताकि हमारा चिकन और टमाटर जो है वो गल जाए। चिकन को सेट करके हम 8 से 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे। ये 8 से 10 मिनट के बाद चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब हम इसको थोड़ा सा हिला लेंगे, खूब अच्छे से मैं इसको हिला लेती हूँ और इसके बाद मैं इसको कवर कर दूँगी 8 से 10 मिनट के लिए, ताकि जो चिकन की कसर है वो भी निकल जाए और टमाटर भी गल जाए।
ये देखें अभी कितना ज़बरदस्त टमाटर गल गए हैं और चिकन भी कम्प्लीटली कुक हो गया है। अब हम इसको इसी तरह इसकी भुनाई शुरू करेंगे। इसमें ऐड करती हूँ बटर और फ्रेश क्रीम और 2 से 3 चम्मच देसी घी के। ये तीनों चीज़ें ऑप्शनल हैं, जो चीज़ आपके पास मौजूद हो आप वो ऐड कर सकते हैं, इससे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हांस होगा। अब इसकी अच्छी से भुनाई करते हैं। चूल्हा हमारा मीडियम से हाई फ्लेम पर है और जो काली मिर्च का पाउडर हमने बचा के रखा हुआ था वो अब हम ऐड करेंगे। 4 से 5 मिनट लगेंगे हमें, इसको हमने भूनते रहना है मुसलसल ताकि मसाले की अच्छे से भुनाई हो जाए। हम मुसलसल इसको भूनते रहेंगे। इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे। इसको हम मुसलसल भूनेंगे और ये देखें माशाल्लाह कैसे ज़बरदस्त सी चिकन कढ़ाई हमारी तैयार हो गई, रेडी हो गई है। कितना परफेक्ट कलर आया है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, ज़बरदस्त कलर और ज़बरदस्त टेक्सचर। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसमें जो हमने हरी मिर्चें काटी हुई थी वो डालेंगे, हरा धनिया और अदरक, ये तमाम चीज़ें इसमें ऊपर से गार्निश के तौर पर डाल देंगे। बिल्कुल ज़बरदस्त सी हमारी चिकन कढ़ाई रेडी हो चुकी है। आप ज़रूर इसको अपने घर में ट्राई कीजिएगा। ये बिल्कुल झटपट से तैयार होने वाली रेसिपी है। आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर हिट कीजिएगा। उससे आपको मेरी हर आने वाली बेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।